आप अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हजरत मुसल्लम रज़ियल्लाहु तआला को एक बारी सरगोशियाना अंदाज हदीस पाक में आता है कि हजरत मुसल्लम रज़ियल्लाहु तआला से आपने सरगोशियाना अंदाज में फरमाया उन्होंने कान से एक गल की थी ऐ कह लो तुसी कि देख अगर तू फजर की नमाज पढ़ने तो बाद बगैर बातचीत किए जहाँ जिक्र मैं तुम दस लगा करेगा सत मरतबा और शाम की नमाज पढ़ने तो बाद भी अगर सत मरतबा तू ये जिक्र कर लिया कि अगर उस रात तू मर गया तो अल्लाह ताला तुम जन्नत के अंदर एक मकान बना के दे देगा और अगर उस दिन तू मर गया जिस दिन सुबह तू उस दिन भी मरण की वजह का क्योंकि तुम जिक्र कर क्यों मरे लिहाजा अल्लाह ताला तुम जन्नत के अंदर मकान बना के दे और फिर आपने फरमाया कि तुम फजर की नमाज तू बातचीत की दे बगैर और शाम की नमाज तू बातचीत की दे बगैर अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार अत्य आ जाएगा तो फरमान कर जिन्हें मेरी अल्लाह उन्होंने आ जाएगा अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार मुझे दोज़ख की आग से बचा ले। सात मरतबा कहना से अच्छा पुराने बात नहीं है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेरी भी गाने फरमाते सन वो पीछे कोई बैकग्राउंड होता सी पीछे कोई नबी पाक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आले इमरान के अंदर जिक्र करने वाले लोग ज़ाकिरीन उन्होंने बारे में कुछ दसिया कि अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ध रब्बना मा ख़लक़ता हाज़ा बातिला सुबहानका फ़क़ीना अज़ाबन नार रब्बना इन्नका मन तुदख़िलिन नार फ़क़द अख़ज़यता ऐसे देखो कि जो ज़ाकिरीन ने वो लेटे थे बैठे थे खड़ोते थे हर वक्त अपने अल्लाह ताला को याद करते रहते हैं और कहते रहते हैं या अल्लाह पाक तूने जमीन व आसमान को फ़ज़ूल नहीं बनाया इस गलत तेरी ज़ात पाक है तो तू कोई ऐसा काम करेंगे तो तुम मकसद ना हो और वो ये भी दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह पाक मन दो दख की आग तुम बचा और जड़ा जिस आदमी ने दो दख की आग जब सुट दिता फकद अखजई था वो शख्स बहुत बड़े नुकसान का शिकार हो गया उसका कोई हल नहीं मन तुद खिल नारा फकद अखजई था जिसको तूने दो दख में डाल दिया आग में डाल दी फकद अखजई था यकीन वो शख्स बहुत बड़े नुकसान में चला गया हूँ जाकिरीन जड़े ने उन्होंने जो बड़ी दुआ है आखिर के अंदर की है कि अल्लाह पाक दो दख के अंदर जरा चला गया वो जिन्हें नुकसान ही किसी नहीं मैं तो जिक्र करने वाला इंसान हूँ मैं तेरे को ये दुआ करना कि अल्लाह पाक तू मनु दो अग तो बचा लो ऐसे पहुँच गई गल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बड़ी प्यारी हदीस है जिसे बारे में आपने फरमाया कि सुबह और शाम को फरिश्ते ड्यूटियाँ तब्दील हो गई यानी जो फरिश्ते रात को रहते रहने इतने साढ़े को सुबह ए नमाज जी इनू पढ़ के इसे तरह ही जो हूँ फरिश्ते आने उन्होंने शाम की नमाज पढ़ के जाने यह ड्यूटी चेंज होगी अल्लाह ताला हर चीज़ को तालीम करती है इस बात की हमें उन्होंने की अल्लाह ताला फरिश्ते जानने के बावजूद पूछता है कि जब तू आए तो मेरे बंदे की कर दे जाहिर है वो फजर की नमाज पढ़ के गए फरिश्ते फिर यही कह देने कि या अल्लाह पाक जब असं आए हैं तो तेरे बंदे नमाज पढ़ते सन नमाज पढ़ने छड़ गया है शाम भी यही शाम वाले फरिश्ते भी यही गल करते फिर अल्लाह ताला जानने के बावजूद ये सानू समझाने वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया बयान किया अगर समझ आ जाए अल्लाह ताला जानने के बावजूद पूछता है कि किस चीज को जो बैठे दिन होते नमाजा पढ़ के वो की मंगते हुए जन्नत मंगते रखते किस चीज
किस चीज से वो पनाह मांग रहे हैं। फरिश्ते कह रहे हैं या अल्लाह पाक वो दोजख से पनाह मांग रहे हैं। की तरह देखते हैं दोजख से पनाह मांग रहे हैं। इसलिए जड़े लोग नमाज तो बाद अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार कहते ना उन्हां दी गल फिर उत्थे आसमाना ते पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई कि जड़े लोग नमाज पढ़ते होंगे अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार फरिश्ते उत्ते जाते हैं ना अल्लाह पाक वो दोजख की आग से पनाह मांग रहे थे। उन्होंने लोगों का तस्कर इस वास्ते सरगोशिया का अंदाज कान च गल समझाई कीमती गल कान च तो गल नहीं की जाती इतने मुहब्बत न दूसरा बड़ी जरूरी गल और तीसरी पता चलता कि इस गल के अंदर कोई ऐसी तो फरमाया कि आसमान के उत्ते जब अल्लाह ताला इस सवालों जवाब करता है तो यह दसिया जाता है कि जड़े लोगों को अभी छड़ के आए हैं वह फजर वाले फरिश्ते हो या शाम वाले हो जाके यही कहे या तो वो दोजख की अंग तू पनाह तलब कर रहे हैं। अच्छा वो सारी से पाते हैं अंदर फिर मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सवाल जवाब देते हैं कि जन्नत उन्होंने देखी नहीं और उनको की पता जन्नत की नहीं अच्छी चीज़ है जो कहता है अल्लाह जन्नत दे दोजख दियाँ हौलनाकियाँ और दोजख का अज़ाब उन्होंने देखिया नहीं फिर भी वो दोजख तो डर रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला कहता है मेरे फरिश्तों का हिसाब ना पाओ अंदर है बंदे जो बगैर देखे ही जन्नत मांगते पे हैं और बगैर देखे दोजख के अज़ाब को भी डरते पे हैं। अगर इन्होंने दो चीज़ा दिखा दिखाई जाएँ तो फिर की हाल इन्हों का होना से फिर कहते हैं अलग अगर तुम्हें जन्नत की झलक दिखा देता या दोजख का अज़ाब दिखा देता फिर तो इन्होंने होर जारी और रो रो के जन्नत भी मंगनी सी दोजख तू भी पनाह मंगनी फिर तो बहुत रवाना करना सी देखना दे अज़ाब फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि फरिश्तों तुसे गवाह रहो ये लोग जिहड़ी चीज़ मंगते हैं पे वह भी इन्हों मैं दिती और जिस चीज़ को ये डरते पे ना वो करो भी मैं इन्हों बचा लिया। लिहाजा मेरे भाई टाइम कढ़िया करो तो कोई अमल भी कर लिया करो कि सारा ख्याल सोचो कि जिन्हें गल सीखिया ने इस ख्याल के अंदर उन्होंने गल के उत्ते अमल शुरू अमल नहीं करते आदत तो शुरू नहीं सकती क्योंकि सानू पता है बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी खानी लेकिन रोटी खाना शुरू करते हैं सानू पता है रोटी खा के शुक्र करना है असं नहीं करते रोटी खा के सानू पता है पानी बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना लगे सानू पता है रोटी खाने पहले हाथ धोने अमल नहीं करते सानू पता है घरों निकल लगे बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलना दुआ माफ की असं कभी घरों बाहर निकल के दुआ नहीं मांगी सानू पता लैटरीन जान लगे अल्लाह के कोलों अल्लाह की गलह जाना अल्लाह मैंने इस दवा दुआ आसान है लेकिन दो दो सौ बच्चे उन्होंने पूछी सिखाश नहीं है तर्जमा कौन कौन वाशरूम जान लगे एक भी दुआ मंगा बच्चे चुप कर कोई भी नहीं सौन लगे अल्लाह मैं बिस्मे का मोह दुआ ही आ तेरा नाम लेकर मैं सोने लगा मोर तेरा नाम लेकर ही जाऊँगा या तेरा नाम लेकर मरता हूँ और तेरा नाम लेकर ही कितनी आसान लोगों याद भी है लेकिन पूछो यार मंगना होना सुन लगे नहीं जनाब कोई नहीं तो यार गल सुनो जो जो कुछ मालूम होता जी ना अगर बचना चाहते हो और जन्नत से जाना चाहते हो तो फिर उन्होंने अमल शुरू करिए अज की दुआ जी है तुम इंज समो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साडे कान च उस तरह ही कही है जिवें कि अपने प्यारे सहाबी ने कान च कही कि जरूरी गल है कि फजर की नमाज के बाद बगैर लोगों गल और शाम की नमाज तो बाद बगैर लोगों गल कि टाइम लगा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार तीन अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार चार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पांच अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार छह अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार सात और सात बारी क्या आसमान ने थोड़ा तज़करा और जन्नत के अंदर एक घर बन गया आसान काम नहीं सिखा सकता अल्लाह पाक करने की जमत तो आपकी बात अस्सलामु अलैकुम और सब भाई खैरियत से हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फजर नमाज पढ़ के बाद जमात मस्जिद चु बाहर निकल आए हैं माशाल्लाह यह किड्डी प्यारी दुआ दसी है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार
सत बारी पढ़ना फजर के टाइम नमाज पढ़ के ते सत बारी पढ़ना शाम के टाइम ते माशाल्लाह जी फरिश्ते अगवाई देंगे इस गल की या अल्लाह असीं छड के आए हैं बंदे तुहाड़े नूं अल्लाह ताला पुछेगा की करते पे हैं उन्होंने दसेगा कि या अल्लाह पाक पनाह मंगते पे हैं दोज़खों और जन्नत च जाण वास्ते माशाल्लाह जी बड़ा प्यारा बयान है साडी मस्जिद अज होया ते साडा बयान सुन मस्जिद का असीं हुण माशाल्लाह थोड़ी सैर कर ली है ते फिर सैर करके फिर दुकान खोलनी है इंशाल्लाह तुसीं भी उठो फजर दी नमाज पढ़ो माशाल्लाह जी माशाल्लाह असीं हुण बाहर निकल आए हैं मस्जिद चों हुण असीं सैर करन लगे हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह नमाज पढ़िए यकीन करो सुरूर आ जांदा सुबह सुबह ठंडे पानी नाल वुज़ू करके ते नमाज अदा करो मजा आ जांदा माशाल्लाह जी मौसम ते बदल आला होया दा हूँ थोड़ी सैर कर लिए लो जी माशाल्लाह चेता आ गया अज सैर नहीं करनी अज असीं जा रहे हैं सुबह सुबह नमाज पढ़ के ना एक मरीज का पता लैन ठीक नहीं है ते मरीज का पता लैन अम्मी जरा मरीज है ना वो एक आदत करनी चाहिए है ठीक है जिस तरह का भी है मरीज तो है ना ख्याल हाल बाल पूछना चाहिए हाँ भाई कैसी सेहत है तेरी ते लो जी माशाल्लाह असीं फिर वापस आए हैं दुकाना तो सैर कर चले स नहीं गए तो हूँ मरीज का पता लैके तो फिर आके दुकान खोलने लो जी माशाल्लाह असीं फिर हूँ पिंड बिच आ गए जा रहे असीं ओ परली साइड ते ते फिर जा के मरीज का पता लैने ते फिर इंशाल्लाह आके दुकान खोलने लो जी माशाल्लाह साडा नाश्ता भी आ गया ते नाश्ते च आ गया जी दही आ गया परांठा आ गया ते चार आ गया ते नाल थोड़ा जा सालन आ गया माशाल्लाह जी दुकान भी खोल गई दी है ते हुण असी नाश्ता कर लिए तो जी माशाल्लाह साडी वीडियो पूरी देखियो शेयर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो अल्लाह हाफिज़।